गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 6 फॉर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट। तो टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। Today's topic is all about training and development. All those candidates who are joining me for the first time, please like and subscribe my channel so you can get the notification whenever I come online. Please join everyone so we can start today's class that is very important for RPSC and UGC NET in management. Very good evening everyone. Today we are starting the lecture number 6 that is all about training and development. So please do join everyone so we can start today's class that is all about the training and development. So lecture number 6 we are going to be start within a very few minutes. Jaldi sabhi log join kar lijiye ek baar. Without wasting the time, we have to be started today's class. All those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations, Lucknow University, IIM Lucknow, LPU, MIT University, Sarda, IFMTR, UP Government. Mentored and guidance more than 1000 plus candidates for UGC NET in Commerce and Management. And economic credit the UGC NET GRF 4 times in a commerce and management, published more than 20 research papers in a top quality index journals like Scopus, TR, UGCCR, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics, PhD Applied Economics. So today's topic is all about training and development. So before starting with the training and development,
वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर विद द व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को एक बार डिफरेंस समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को आ जाएंगे। ट्रेनिंग फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉब नॉलेज एंड स्किल दैट इज टू बी अप्लाइड इन अ शॉर्ट रन। देखिए आप कितने भी ब्रिलियंट हैं, कितनी भी आप ट्रेंड हैं, जब भी आपको एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, देन यू आर रिक्वायरिंग सम ट्रेनिंग्स ऑल्सो, बिकॉज दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका, मशीनरी का तरीका, अलग अलग मशीन होती हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हेनेवर वी आर ज्वाइनिंग इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन वी आर रिक्वायरिंग सर्टेन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉब नॉलेज and skill that is to be applied in a short run, okay? एक specific job knowledge को gain करने के लिए, एक skill set को gain करने के लिए, skill set को सीखने के लिए हम लोग एक short term training provide करते हैं। भाई अगर हम लोग अगर development की बात करेंगे तो development focus on the broad knowledge and insight that may be required for adaptations to environment demand in the future. तो development focus on the very broad knowledge and insight that may be required for adaptation to the environment demand in the future. तो डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव है, ट्रेनिंग हमारा बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो एंड इनसाइट दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर एडॉप्शन टू कोई इन्वायरमेंटल में जो मार्केट में जो डिमांड है, इन्वायरमेंटल में जो डिमांड है, उसको डिमांड को अडॉप्ट करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल सर्टेन चेंजेस की हम लोग बात करेंगे जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। डेवलपमेंट इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग इज अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, इट इज नोइंग हाउ टू रीच इट। ये नहीं आपको लाइफ में क्या चाहिए, बट ये जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू रीच इट, कैसे वहां पर आप पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, आपको सर्टन डेवलपमेंट चाहिए होंगे लगातार। इट इज नॉट हाउ यू वॉन्ट टू राइज, ये जरूरत नहीं है ये कि आपको कितना ऊपर जाना है। इट इज नोइंग हाउ टू टेक ऑफ, बट आपको ये पता होना चाहिए, इट इज नोइंग हाउ टू टेक ऑफ, आपको कैसे कैसे आपको टेक ऑफ करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कि इट इज नॉट हाउ यू वॉन्ट टू राइज। आपको कितना ऊपर जाना है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको कैसे ऊपर जाना है, कैसे आप ऊपर उड़ोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट द गोल यू सेट, ये जरूरी नहीं है, ये गोल नहीं है जो आप सेट करते हो। इट इज वॉट यू नीड टू अचीव, ये जरूरी है कि आपको उसको अचीव क्या करना है, क्या अचीव करना चाहते हो। गोल तो कुछ भी सेट कर लीजिए, बट आप अचीव क्या करना चाहते हो, अचीव क्यों करोगे, कैसे करोगे, अचीव करना जरूरी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट द गोल यू सेट, ये नहीं है कि आप क्या गोल सेट कर रहे हो, बट इट इज वॉट यू नीड टू अचीव, आपको क्या अचीव करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट वेयर यू वॉन्ट टू गो, ये जरूरी नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हो, इट इज नोइंग हाउ टू गेट देयर। तो ये ट्रेनिंग्स की और एक डेवलपमेंट की कोटेशन टाइप की है कि आपको ये नहीं पता आपको आप कहां जाना चाहते हो, ये जरूरी नहीं है, बट आप कैसे वहां पर पहुंचोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग वो भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, एक आपको स्पेसिफाइड ट्रेनिंग चाहिए, ताकि उसी क्षेत्र में आप और फोकस कर सको, उसी एरिया में आप और फोकस कर सको, ताकि आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच पाओ और अपने गोल्स को अचीव कर सको। इट इज नॉट व्हाट यू ड्रीम ऑफ डूइंग, ये जरूरी नहीं है आप क्या सपना देख रहे हैं, इट इज हैविंग द नॉलेज टू डू इट, बट आपको ये नॉलेज जरूरी है, आपको बट ये पता होना चाहिए कि आपको वो उसकी आपको नॉलेज होना चाहिए। इट इज हैविंग द नॉलेज टू डू इट, आपको वो कैसे करना है उसकी नॉलेज होना जरूरी है, नॉट इट कि आपको ड्रीम क्या है। ड्रीम आप कुछ भी रख सकते हो, बट उसको ड्रीम को कैसे पहुंचना है आपको, उस ड्रीम के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इट इज हैविंग द नॉलेज टू डू इट। अब आया डेवलपमेंट डिफाइंड, तो ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, ट्रेनिंग में भी आगे बहुत कुछ आपको बताएंगे। ट्रेनिंग में वॉट एवर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या शॉर्ट टर्म कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग टू ट्रेन सर्टेन पर्सन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी कहां पर स्टैंड करते हो और कहां पर पहुंचना चाहते हो, उसके बीच के गैप को फिल आउट करने के लिए यू आर रिक्वायरिंग सर्टेन ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग आप कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हो, या आपने देखा कोई, या आपने अगर कोई देखा कि कोई एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे कोई एक नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो उसकी आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंपनी में लंबे समय तक ही बना रहना चाहते तो आपको लगातार अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, एडवांसमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे।
दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप कैसे लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें, एडवांसमेंट करते रहें अपने करियर में, अपनी स्किल सेट का, अपनी स्किल सेट का क्या करेंगे, एडवांसमेंट करते रहेंगे ताकि ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशंस में जो चाहिए उस हिसाब उस टाइप की स्किल्स को आप फुलफिल कर सकें। ठीक है, सॉफ्टवेयर, आप नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया मशीन आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको एक स्किल सेट जरूरत पड़ेगा। उस स्किल सेट को पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज की जरूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम लोग एक स्पेसिफिक चीज के लिए करते हैं, स्पेसिफिक ओरिएंटेड होके, स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड, स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड। तो किसी चीज विशेष रूप से किसी चीज को पाने के लिए हम लोग कोई सर्टेन ट्रेनिंग्स करते हैं। भाई अगर डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, व्हाट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड हेल्प द इंडिविजुअल हैंडल द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस इम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट जॉब ड्यूटीज। तो हम लोग फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से समझ पाएंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे अभी विद लेस इम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट जॉब ड्यूटीज। अभी की जॉब ड्यूटीज पे कम फोकस करके फ्यूचर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपका, कोई एक स्पेसिफिक आपको स्किल सेट आना, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। बट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ओवरऑल इंडिविजुअल कैसे डेवलप कर रहा है अपने पर्सनालिटीज को ताकि फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, फ्यूचर में जो जिम्मेदारी आने वाली है, उसको आप मैनेज कर सको, उसको आप हैंडल कर सको। अब आई नीड एंड बेसिक पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। क्यों ट्रेनिंग का जरूरत क्या होती है और उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आप अपना क्या करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो। अगर आप स्किल सेट होंगे, आप ट्रेंड इंसान होंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी अच्छी ला सकते हैं। अब सपोज दैट एक जो नया इंसान काम कर रहा है कंप्यूटर पे, जो अभी जस्ट ज्वाइन फ्यू डेज बैक, उसको भी 3 महीने हुए हैं, और एक इंसान 10 साल से उसी सिस्टम पे काम कर रहा है, तो आप बताइए कौन इंसान अच्छे से काम करेगा? अच्छे से काम कौन करेगा? अच्छे से काम वही इंसान कर पाएगा जिसकी प्रोडक्टिविटी जो जो बहुत ट्रेंड है, जो लगातार ट्रेनिंग लेता जा रहा है, लगातार अपनी स्किल सेट को अपडेट करता जा रहा है, लगातार अपने करियर की स्किल्स को एडवांसमेंट करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो नीड एंड बेसिक पर्पज ऑफ ट्रेनिंग में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, काम को और अच्छी तरीके से करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क। अब आप ही देख लीजिए कि कोई एक टॉपिक पहली बार पढ़ाइए तो आपकी थोड़ी सी क्वालिटी लो होगी, वही टॉपिक अगर 10 बार, 15 बार, 20 बार आप किसी को पढ़ाएंगे तो योर क्वालिटी विल बी इंप्रूव। तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग द सिमिलर जॉब, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब। तो अगर सेम टाइप्स की जॉब को लगातार बार बार करते रहेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी इंप्रूव। आपको एक उतनी बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी आने के लिए अगर इफ यू आर डूइंग द सेम जॉब इन अ न्यूमेरस नंबर ऑफ टाइम, तो बार बार रिपीटेड रेपिटेटिव नेचर में अगर सेम सेम जॉब कई बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली देर विल बी ए इम्प्रूवमेंट इन अ क्वालिटी। तो दैट इज कॉल्ड नीड ऑफ द ट्रेनिंग। तो अगर ट्रेनिंग से जरूरत होगी, ट्रेनिंग अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे, ट्रेंड होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ टास्क, क्वालिटी ऑफ जॉब यू कैन इम्प्रूव इट। टू हेल्प ए कंपनी फुलफिल इट्स फ्यूचर पर्सनल नीड्स। सीधी सी बात है, आप कंपनी की फ्यूचर की जो पर्सनल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसी मशीन आएगी तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पहले से ही ट्रेनिंग लेके रखी हुई है तो नए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आप उन जॉब को फिल कर सकते हैं जो भी जॉब इन फ्यूचर में जेनरेट होने वाली है। तो दैट इज कॉल्ड टू हेल्प ए कंपनी फुलफिल इट्स फ्यूचर पर्सनल नीड्स। टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंप्रूव हो जाएगा। टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ इंप्रूव होगी, सेफ्टी इंप्रूव होगी। ऑटोमेटिकली अगर आप काम वही कई एक काम कई बार करेंगे और ट्रेंड होंगे और आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके रखे होंगे तो सेफ्टी से, बहुत ज्यादा सेफ्टी से आप काम कर सकते हैं, और आपकी एक्सीडेंट होंगे, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट अकरेंस, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट अकरेंस विल बी वेरी मिनिमाइज। तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और सेफ्टी भी इंप्रूव होगी, ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ऑब्सिलेंस प्रिवेंशन, यस, पर्सनल ग्रोथ, क्लियर।
पापा है बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग, हाउ ट्रेनिंग बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करती है। क्लियर? इट लीड्स टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। तो हर इंसान जो ऑल दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो जितने के जितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सबके सभी इंसान ट्रेंड होंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और सबका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। सब लोग बात यही करेंगे कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन हो, सबका जो एक मेन एक नजरिया होगा काम करने का, दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट ओरिएंटेशन, बिकॉज एवरीवन इज ट्रेंड। इंप्रूव द जॉब नॉलेज एंड स्किल एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने लेवल्स हैं, टॉप लेवल्स की बात करिए, मिडिल लेवल की बात करिए, लोअर लेवल्स की बात करिए, सबको जॉब नॉलेज इंप्रूव होगी, स्किल सेट इंप्रूव होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। इंप्रूव द मोरल ऑफ द वर्क फोर्स, जब इंसान ट्रेंड होता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उसको फील होता है, उसको खुद में कॉन्फिडेंस फील होता है कि यस आई कैन डू इट। जब आपको कोई भी चीज जिस पर्टिकुलर काम में आप ट्रेंड हैं और आपको वो काम करने को बोला जाता है, तो आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप कई लंबे समय से भाई रेपिटेटिव जॉब कर रहे हैं, और जब भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, जब भी एक नया सिस्टम आया, नई टेक्नोलॉजी आई, यू हैव टेकन सर्टेन ट्रेनिंग्स, तो आपने ट्रेनिंग्स भी ले लिया, तो ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप को अप टू डेट करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपका मोरल ऑटोमेटिकली मोरल विल बी इंप्रूव। इट हेल्प पीपल आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प द क्रिएट ए बेटर कॉर्पोरेट इमेज, तब ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी जॉब की, जॉब नॉलेज बढ़ेगी, स्किल सेट बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा एम्प्लॉयज का, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू कैन क्रिएट द बेटर कॉर्पोरेट इमेज इन द मार्केट। ओके, तो यू कैन इट विल बी हेल्प टू क्रिएट ए बेटर कॉर्पोरेट इमेज इन द मार्केट। क्लियर है? नेक्स्ट फर्दर, द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग और एड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में एडिशनली बेनिफिट होगा। इट हेल्प प्रिपेयर द गाइडलाइंस फॉर वर्क, जो भी काम करने का तरीका होगा उसके लिए गाइडलाइंस एक प्रिपेयर करी जाएंगी, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। इट विल बी एड्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ये सिंपल है। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर नीड इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा, आपको फ्यूचर में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी सभी ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज, पहले मार्केटिंग की बात करिए, आप प्रोडक्शन की बात करिए, फाइनेंस की बात करिए, ऑपरेशंस की बात करिए, इन्वेंटरी की बात करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करिए, तो इट विल बी प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर नीड्स इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन होगा वो और मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। इट एड्स इन डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन, लॉयल्टी, बेटर एटीट्यूड एंड अदर एस्पेक्ट दैट सक्सेसफुली वर्कर्स एंड मैनेजरी यूजली डिस्प्ले, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल डेवलप होगी, इंसान खुद में मोटिवेट होगा, लॉयल्टी जनरेट होगा, बेटर एटीट्यूड होगा एंड अदर एस्पेक्ट दैट सक्सेसफुली वर्कर्स एंड मैनेजर्स यूजली डिस्प्ले, तो कई सारे टाइप्स के बेनिफिट हैं ट्रेनिंग के। आगे बात करें, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, ये बात हो चुका है। इट हेल्प कीप कॉस्ट डाउन इन मेरी एरियाज एज ए प्रोडक्शन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेटिकली सेम ही है, सब कुछ सेम है। इट हेल्प कॉस्ट डाउन इन मेनी एरियाज, प्रोडक्शन आपके प्रोडक्शन में आपकी कॉस्टिंग कम होगी, जब ट्रेंड इंसान काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे, क्वालिटी कंट्रोल होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, पर्सोनल और एडमिनिस्ट्रेशन। इट डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल, यस सबको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी के लिए, सब कॉम्पिटेंट बनेंगे और नॉलेजेबल बनेंगे। इट इंप्रूव द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एंड क्रिएट एन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ कम्युनिकेशन, आपस में लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक इंप्रूव होगा, इट विल बी क्रिएट एन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर ग्रोथ एंड कम्युनिकेशन। फर्दर बी आर
there are numerous number of benefits we have. It reduce the outside consulting cost by utilizing competent internal consulting. आपको बाहर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप एक्सटर्नल कंसल्टिंग की जो फीस पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंसल्टिंग के लिए, कंसल्टेंट के लिए जो आप पैसे दे रहे हैं, वो किस कुछ भी पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, आपको सब कुछ इंटरनली, इंटरनल कंसल्टिंग करके, इंटरनली आप डिस्कशन करके क्या कर सकते हैं, आप उन सब चीजों को ओवरकम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ओवरकम कर सकते हैं. स्टिमुलेट प्रिवेंटिव मैनेजमेंट एज अपोज टू पुटिंग आउट फायर्स. Eliminate some optimal behaviors. It help employee adjust to change. Employee change होगा, adjust करेगा. It helps in handling conflict, thereby helping to prevent stress and tension. तो कई सारे types के benefits हैं. वो तो benefit to the organizations हो गए. अब बात करेंगे benefit to the individuals को. Individual तो क्या क्या benefit होगा? Help the individuals in making better decision and effective problem solving. तो इंसान होगा वो उसकी better making the better decision, वो अच्छी तरीके से decision ले पाएगा. इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी इंडिविजुअल्स की. थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मोटिवेशनल वेरिएबल्स ऑफ रिकॉग्निशन अचीवमेंट ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट आर इंटरलाइज एंड ऑपरेशनलाइज. तो कहीं ना कहीं हम लोग लगातार किसी इंसान को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे तो मोटिवेशनल वेरिएबल्स उनको क्या रिकॉग्निशन पहचान मिलेगी, अचीवमेंट होगा उनका, कुछ ना कुछ वो लोग अचीव करेंगे, ग्रोथ होगी उनको, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग समझेंगे, उनके करियर का एडवांसमेंट होगा. इट एड्स इन एनकरेजिंग एंड अचीविंग द सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट होगा और ऑलमोस्ट सब कुछ वही है. इट हेल्प अ पर्सन टू हैंडल द स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंप्रूविंग लीडरशिप नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एटीट्यूड. तो कई सारे बेनिफिट है. इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन, रिकॉग्निशन. Moves a person towards personal goals while improving interaction skills. Satisfy personal needs of the trainee. Identify the training needs, present performance, job gap. उस job gap को fill करने के लिए डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो है और प्रेजेंट परफॉर्मेंस में उसको जो गैप को फिल करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज. सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, किस ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, फीडबैक क्या है. डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम. कंडक्टिंग द ट्रेनिंग. फॉलोअप एंड इवैल्यूएशन. अप्रोच टू द ट्रेनिंग. ये इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. तो आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, आपको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है. लास्ट में सब बता देंगे, अभी कंटिन्यू करने दीजिए. अब आए टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के मेथड्स भी होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, वो भी आगे बताएंगे. पहले आए टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. इट इज कंसर्न विद द इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग एंड न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस. जब किसी संगठन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, इसमें उस एम्प्लॉयज को उस कंपनी के बारे में बताते हैं, उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, प्रोसीडर्स के बारे में बताते हैं कि काम कैसे करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कानून क्या होते हैं. तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर द न्यू एम्प्लॉयज. जो नया एम्प्लॉयज ज्वाइन करता है उन लोगों के लिए होता है. ठीक है, जॉब ट्रेनिंग. इट रिलेट्स टू द स्पेसिफिक जॉब विच द वर्कर हैज टू हैंडल. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मशीन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, मैथड टू बी यूज. तो जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, इट रिलेटेड टू एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है. जो जॉब, जिस जॉब के करने के लिए आपको नौकरी पर रखा गया है, उस जॉब को किस बेटर तरीके से कैसे कर सके. अभी तो आप नए किसी पुराने ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, तो नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको नया ऑर्गेनाइजेशन की कैसे, उसका कैसे मेथड क्या है काम करने का, उसको जॉब को कैसे करना है, तो आपको कुछ पता नहीं होता. तो उसको स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, विच द वर्कर हैज टू हैंडल. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मशीन, मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, मेथड टू बी यूज्ड एंड सो ऑन.
तो जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, कि स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको मशीन्स के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएंगे, मैथड टू बी यूज, कौन सा मैथड यूज किया जाएगा, सो ऑन। तो जॉब ट्रेनिंग दैट इज ऑल अबाउट कि स्पेसिफिक जॉब के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। थर्ड इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप अंडर दिस मेथड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट। जो एमबीए में बीटेक में जो इंटर्नशिप करते हैं 2 महीने के 3 महीने के लिए, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है एजुकेशनल ड्यूरिंग कोर्स। आप एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, उस कोर्सेज के अनुसार कोर्सेज के दौरान आप क्या करता है, कॉलेज कुछ कुछ इंडस्ट्रीज से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से एक अग्रीमेंट करके रखता है जिससे वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट। स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। फिर हुआ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इट मीन्स फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो आप जैसे कि ओरिएंटेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग पर न्यू एम्प्लॉयज के लिए थी, बट रिफ्रेशर ट्रेनिंग हमारी ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए। इट मीन्स फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज, जो पुराने लोग आपके संगठन में काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको एक जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उनको उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोला जाता है। द बेसिक पर्पज ऑफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज टू एक्वाइंट द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स विद द लेटेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग देयर जॉब, इंप्रूव देयर एफिशिएंसी फर्दर इन द वर्ड्स ऑफ डेली ऑर्डर, रिट्रेनिंग द प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू अवॉइड पर्सनल ऑब्सोलेंस। कुल मिलाकर इसका मेन मुद्दा होता है कि लोग ऑब्सोलीट ना हो जाएं, लोग पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े ना रहें, उनको नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके, और जितने भी पुराने इंप्लाइज है, कोई नया सिस्टम आया है, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, मशीन नहीं आई है, तो ऐसे पुराने इंप्लाइज को जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल सके, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग बुलाता है। कौन सा ट्रेनिंग? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। क्लियर? ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। द टैलेंटेड एम्प्लॉयज मे बी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग टू मेक देम एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू हायर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एलिजिबल एम्प्लॉयज होते हैं उन एलिजिबल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो प्रमोट हो सके, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जिससे उनको हम लोग प्रमोट कर सकें। तो प्रमोशन के लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। टैलेंटेड एम्प्लॉयज मे बी गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो उनको एलिजिबल कर सके एक हायर जॉब्स के लिए, एक हायर डिजिग्नेशन के लिए। अब आया ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब बताइए कोई डाउट यहां तक, कि बहुत कुछ बता दिया यहां तक, कोई डाउट हो बताइए। चलो फर्दर वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या हुआ, जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट, इंटर्नशिप, अपेरेंस। भाई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिवल ट्रेनिंग, रोल प्ले, लेक्चर मैथड, कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, प्रोग्राम्स, लेक्चर टॉक, डिस्कशन, वीडियो फिल्म, केस स्टडी, डेमोस्ट्रेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है कि जॉब के साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है,
आपने एक्चुअल जॉब एक्चुअल जगह पे जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होनी थी उसी लोकेशन पे आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब के साथ साथ जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होती है कि आपको एक अलग ट्रेनिंग सेंटर में, मतलब एक्चुअल जॉब प्लेस अलग होगा और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड वाला, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाला प्लेस अलग होगा। ठीक है, किसी होटल में ट्रेनिंग दी जा रही है आपको, किसी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। देख लीजिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो नोन एज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एडवांटेज ऑफ गिविंग फर्स्ट हैंड नॉलेज, मतलब आपको ओरिजिनल वही नॉलेज मिलती है जो आपसे काम करवाया जाएगा, एंड एक्सपीरियंस अंडर द एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। वाइल द ट्रेनी लर्न हाउ टू परफॉर्म ए जॉब, ही इज ऑल्सो रेगुलर वर्कर रेंडरिंग द सर्विस फॉर विच ही इज पेड। आपको पहले दिन से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक्चुअल काम आपसे कराया जाएगा जो आपसे बाद में कराया जाना, जो आपको काम एक्चुअली में करना है वही काम आपसे कराया जाएगा, और एक्चुअल लाइव वर्किंग कंडीशंस में जो काम कराया जाएगा उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि बैंक में नौकरी लगी अभी, वो बैंक में ही ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको बोलेंगे ऑन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बैंक में नौकरी लगी बट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, पहला हो गया जॉब रोटेशन, मूविंग ए ट्रेनी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू ब्रॉडन हिज और हर एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। जॉब रोटेशन मेथड जो पहला है इसमें क्या है, ट्रेनिंग को हम लोग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मार्केटिंग टू फाइनेंस, फाइनेंस टू एचआर, एचआर टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टू डिस्पैच, डिस्पैच टू रिसर्च। तो हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको लगातार रोटेट करते रहेंगे जिससे कि उसको एक्सपीरियंस उसका ब्रॉडन हो, उसका एक्सपीरियंस बहुत वाइड हो, और उसके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें स्ट्रांग और वीक पॉइंट। ठीक है, जो जहां पर जो स्ट्रांग पॉइंट होंगे वहीं पर उसको रखेंगे, जहां पर वीक पॉइंट होंगे उसको वहां पर दोबारा ट्रेनिंग देंगे। तो जॉब रोटेशन इज ऑल अबाउट, लगातार आपकी जॉब रोटेशन होती रहेगी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत ब्रॉडन हो और आपका एक्सपीरियंस बहुत ब्रॉडन हो, और आपको आपकी आइडेंटि आपकी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी स्ट्रांग स्किल्स है, कहां पर वीक है। सेकंड हो गया कोचिंग और अंडरस्टडी अप्रोच, द ट्रेनी वर्क डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर और विद द पर्सन ई और सी इज टू रिप्लेस। कोचिंग और अंडरस्टडी मेथड, जैसे कि हम आपको कोच कर रहे हैं, हम आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोचिंग में जो आपका एक्सपर्टीज है जिसके पास, या जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी जगह पे आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग देगा, या आपको जो सीनियर मैनेजर होगा वो आपको ट्रेनिंग देगा। तो कोचिंग में आपको क्या करें, कोचिंग में दे विल कोच यू रिगार्डिंग पर्टिकुलर जॉब। तो कौन करेगा, जो सीनियर मैनेजर होगा ऑर्गेनाइजेशंस का, या जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं। होता नहीं, कई बार होता है कि आप जिस संगठन में, जिस संस्था में काम करने जा रहे हैं, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, पहले आपको एक महीने का नोटिस पीरियड होता है, उसमें बोलते हैं कि आपकी जगह पर जो नया इंसान आएगा उसको पहले आप ट्रेन करिए। थर्ड हुआ जॉब इंस्ट्रक्शन, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ट्रेनिंग थ्रू स्टेप बाई स्टेप। अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग ट्रेनर एक्सप्लेन द ट्रेनिंग द वे ऑफ डूइंग द जॉब, जॉब नॉलेज एंड स्किल अलाउ हिम टू डू द जॉब। द ट्रेनर अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग, प्रोवाइड फीडबैक, इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट। जॉब इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें आपको एक सिस्टम स्टेप बाई स्टेप हर चीज बताई जाएगी। पहले आपको जॉब के बारे में बताया कि जॉब क्या है, फिर जॉब को नॉलेज के बारे में बताया, फिर उसको काम कैसे करना है, फिर उसके बाद आपको हल्के हल्के काम करने को दिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन मतलब हल्के हल्के इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको हर चीज के। फिर हो गया कमेटी असाइनमेंट, एक ग्रुप ऑफ द ट्रेनीज आर गिवन आस्क्ड टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, द ट्रेनीज सॉल्व द प्रॉब्लम ज्वाइंटली, डेवलप द टीम वर्क। कमेटी असाइनमेंट क्या होता है, जब दो चार पांच दस लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली में होता यह है कि उनको एक रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम उनको दी जाती है, बोलो इसको पहले सॉल्व करके बताइए। तो सब लोग आपस में मिलकर उसको रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड समझ गए ना, कि आपकी नौकरी लगी बैंक में बट आपको ट्रेनिंग दी जा रही है एक होटल्स में, एक ट्रेनिंग सेंटर में। आपकी नौकरी लगी एयरलाइंस में बट ट्रेनिंग आपकी दी जा रही है स्कूल में, कॉलेज में। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है आपको एक्चुअल जगह पर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको कहीं दूसरी जगह पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर एक आर्टिफिशियल एटमोसफियर क्रिएट किया जाएगा कि ट्रेनिंग वाला, बट आपको ओरिजिनल जगह पर ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब सिचुएशन, आपको ओरिजिनल जॉब सिचुएशन से दूर रखा जाएगा।
And his attention is focused upon learning the material related to his future job performance. There is an opportunity for freedom of expression for the trainee. इसमें क्या है कि ट्रेनी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलता है, पूरा फ्रीडम मिलता है, क्योंकि गलत होने के चांसेस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको अभी ओरिजिनल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको एक्चुअल जॉब सिचुएशन से दूर रखते हैं, बट आपको उसी मटेरियल्स में काम करना होगा, वही पेपर यूज करने पड़ेंगे, वही फाइल्स यूज करने पड़ेंगे जो आपको एक्चुअल जॉब पे यूज करनी पड़ेंगी, जो फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस में आपको यूज करना है, वह उन्हीं सब पेपर्स के साथ आप अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं कि बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मेथड कौन से हैं? वेस्टिबल ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग, ग्रिड ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। पहला हुआ वेस्टिबल ट्रेनिंग। इन दिस मेथड एक्चुअल वर्किंग कंडीशन आर सिमुलेटेड इन ए क्लासरूम, मटेरियल फाइल्स एंड इक्विपमेंट दोज आर यूज्ड इन एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस ऑल्सो यूज्ड इन ए ट्रेनिंग। This type of training is commonly used for training personnel for clerical and semi-skilled job. The duration of the training range from days to a few weeks. Festival training का मतलब है एक artificial environment create किया जाएगा, जैसे कि bank में आपकी job लगी तो आपको एक training center में, आपको एक organizations में training center में एक बिल्कुल bank जैसा artificial एक cashier बना हुआ है, एक bank manager है वहां पर, एक sales manager है वहां पर, एक cash receive करने वाला है, एक cash pay करने वाला है। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही क्रिएट किया जाएगा जैसे एक्चुअल वर्क होता है, जैसे कि जो एक होता है ना एयर होस्टेस। अब एयर होस्टेस का आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस को जो लगा एक साथ ट्रेनिंग उनको एयरक्राफ्ट में नहीं जाती है, उनके लिए एक एक, 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 एक क्या कहते हैं आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट क्रिएट किया जाता है, क्लासरूम ऐसे क्रिएट करते हैं। आजकल जितने भी जहां पर जिन कॉलेजेस में एयरलाइंस पढ़ाई जा रही है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग मिल रही है, तो बोले उन्होंने क्लासरूम ही कैसा क्रिएट करके रखा हुआ जो बिल्कुल जस्ट लाइक एयरक्राफ्ट लगता है, वहां पर ही आपको लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग एयर आपको ले जाके एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली ट्रेनिंग देते ऐसा नहीं हो सकता। तो एक आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट आपने जो ग्राउंड होगा, जो ऑन ग्राउंड होगा, वहां पर ले जाके आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी को बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। कि मतलब वेस्टिबल ट्रेनिंग में आपको एक्चुअल जैसा जॉब प्लेस होगा, एक्चुअल जैसा जॉब वर्क होगा, उसकी उसकी उसी की जगह पर एक रिप्लेस करेंगे, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, और फिर जहां उस पे, वहां पे जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको बोलते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एसटी और लेबोरेटरी ट्रेनिंग इज मेथड ऑफ चेंजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन। The main objective of ST is to develop among the group member an understanding of themselves and other the relationship with others. Sensitivity training, how sensitive you are. हम लोग यहाँ पर एक individual's behavior को learn करने की कोशिश करते हैं। आपस में ग्रुप में रख दिया आपको, एक ग्रुप में एक आपको एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, उस ग्रुप में काम करने को दे दिया, और आप क्या करेंगे, अनस्ट्रक्चर ग्रुप इंटरेक्शन होगा आपका, अनस्ट्रक्चर ग्रुप होगा, उसमें एक दूसरे से आपको बात करनी है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को पता करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एक टीम बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एसटी टू डेवलप अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स, ताकि आप सभी लोग, आपको अगर आगे टीम में काम करना हो तो आप टीम में काम कर सकें। ट्रांजेक्शन एनालिसिस, दिस इज ए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड प्रोवाइड एन अप्रोच फॉर डिफाइनिंग एनालाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल्स। द बेसिक थ्योरी बिहाइंड ट्रांजेक्शन एनालिसिस दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कंप्राइज ऑफ थ्री ईगो स्टेट, द पेरेंट, द चाइल्ड, द एडल्ट। उसमें जैसे कि एसटी ट्रेनिंग में बोला था कि ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना है, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे बिहेव करना है, बट ट्रांजेक्शनल में हाउ एक्चुअली यू आर ट्रांजेक्टिंग, कैसे ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं आप, एक दूसरे के बिहेवियर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है, इसका पीछे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को आपको जज कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन एनालिसिस। दिस इज अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड प्रोवाइड एन अप्रोच फॉर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। आपस में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, हाउ एक्चुअली यू आर नोइंग अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द अदर्स, आपको पर्सनालिटी के बारे में पता करना है, पर्सनालिटी आपको इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट द की ट्रांजेक्शन एनालिसिस। ग्रिड ट्रेनिंग, इट इज अ सिक्स फेज प्रोग्राम लास्टिंग फ्रॉम 3 to 5 ईयर, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इट इज स्टार्ट विद द अपग्रेडिंग मैनेजर स्किल्स, कंटिन्यूज टू द ग्रुप इंप्रूवमेंट, इंप्रूव इंटर ग्रुप रिलेशन, गोज इनटू द कॉर्पोरेट प्लानिंग, डेवलप इंप्लीमेंटेशन मैप एंड विद द इवोल्यूशन फेज। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ग्रिड ट्रेनिंग होती है, इसमें सिक्स फेज होते हैं। स्टार्ट विद द मैनेजर स्किल्स,
कंटिन्यूस टू द ग्रुप इंप्रूवमेंट, ग्रुप में कैसे काम करना है, इंप्रूव द इंटर ग्रुप, अगर दो ग्रुप तीन ग्रुप आपस में है अलग अलग ग्रुप है तो इंटर ग्रुप में कैसे रिलेशन होगा, तीन कॉर्पोरेट प्लानिंग, डेवलप द इंप्लीमेंटेशन मेथड, पांच और एंड विद द इवोल्यूशन फेज, दैट इज कॉल्ड ग्रिड ट्रेनिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स में ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्रिड ट्रेनिंग। रोल प्लेइंग, क्रिएटिंग ए रियलिस्टिक सिचुएशन, यहां पर भी फेस्टिवल ट्रेनिंग के तरीका एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद आपको मान लीजिए आपको कैशियर का रोल प्ले करने को दे दिया, आप कैशियर की जगह पर बैठेंगे, लोग आएंगे आपको वहां पर पैसे जमा करवाएंगे, तो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आपको एक कैशियर का रोल प्ले करना पड़ेगा, कभी बैंक मैनेजर का रोल प्ले करना पड़ेगा, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप नौकरी के लिए गए हैं। तो रोल प्लेइंग में भी एक रियलिस्टिक सिचुएशन में आपको रोल प्ले करना पड़ता है, जैसे कि होता है ना बीएड में जो लोग टीचिंग में बीएड करते हैं आपको पता होगा उन लोगों की ट्रेनिंग्स होती है, स्कूल में भी ट्रेनिंग भी होती है, एक लाइव ट्रेनिंग भी होती है, उनको रोल प्ले करना पड़ता है टीचर का। तो क्रिएटिंग ए रियलिस्टिक सिचुएशन विच ट्रेनिंग एज्यूम द रोल ऑफ द पर्सन इन दैट सिचुएशन, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व एक्शन डूइंग एंड प्रैक्टिस, द पार्टिसिपेंट प्ले द रोल ऑफ सर्टेन कैरेक्टर सच एज द प्रोडक्शन मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, मेंटेनेंस इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, फोरमैन, वर्कर्स एंड लाइक। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशंस। ठीक है, तो रोल प्लेइंग में आपको अलग अलग लोगों का रोल प्ले करना है, रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी उसमें आपको अलग अलग लोगों का रोल प्ले करना है। लेक्चर मेथड, जो कॉलेज में लेक्चर होता है एक इंसान बोलेगा 50 लोग बैठ के सुनेंगे। द लेक्चर इज ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्टर ऑर्गेनाइज द मटेरियल एंड गिव इट टू द ग्रुप ऑफ ट्रेनीज इन द फॉर्म ऑफ ए टॉक। जैसे नॉर्मली क्लास में होता है लेक्चर मेथड, 50-60 लोग एक साथ ट्रेनिंग बैठे हुए, एक ट्रेनर उसको समझा रहा है। टू बी इफेक्टिव द लेक्चर मस्ट मोटिवेट, क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग द ट्रेनी। एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड इज दैट इट इज डायरेक्ट एंड कैन बी यूज फॉर ए लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेनीज। 50-100 लोग एक साथ में बैठे हुए हैं तो एक इंसान 50-100 लोगों को एक समय में एक साथ ट्रेनिंग दे सकता है। कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस के तो जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बैठ के कोई डिस्कशन करते हैं कुछ आउटकम निकालने के लिए, मतलब ऑल दोस पर्सन्स हु आर सिटिंग टुगेदर टू फाइंड आउट सर्टेन आउटकम बट दे आर हैविंग देयर एक्सपर्टीज। हर इंसान अपने आप में एक्सपर्टीज होता है। इज अ मेथड इन ट्रेनिंग द क्लरिकल प्रोफेशनल सुपरवाइजरी पर्सनल्स, दिस मेथड इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु पॉजेस आइडियाज, बताया आपको भाई, एग्जामिन सियर फैक्ट्स आइडियाज डेटा टेस्ट अजम्पशन ड्रॉ ए कंक्लूजन ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। एक जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग बैठकर अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं, फिर एक फाइनली ड्रॉ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जिससे कि हम लोग उसके जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। डिस्कशन हैज अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर द लेक्चर मेथड इन दैट डिस्कशन इन्वॉल्व टू वे कम्युनिकेशन, हियर फीडबैक इज प्रोवाइडेड। जैसे लेक्चर मेथड में केवल ट्रेनर बोल रहा है सब लोग सुनते हैं, बस कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन मेथड में एवरीबॉडी विल बी पार्टिसिपेट, सभी लोग आपस में बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे, आइडियाज को शेयर करेंगे, डेटा को शेयर करेंगे, अजम्पशंस अपनी बनाएंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इन रिसेंट ईयर दिस मेथड हैज बिकम वेरी पॉपुलर, द सब्जेक्ट मैटर्स टू बी लर्न्ड इज प्रेजेंटेड इन अ सीरीज ऑफ केयरफुली प्लान्ड सिक्वेंशियल यूनिट्स। ओके, दिस यूनिट्स आर अरेंज्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन, द ट्रेनी गोज थ्रू यूनिट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चंस। The method is time consuming and expensive. So, program instruction में एक certain program बना लिया, उसमें unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 बना लिया, पर बाद में चारों unit की आपको एक साथ training दे रहे हैं। होता नहीं आजकल बहुत सारी जगह training centers में जाइए आप training, कोई भी training लेनी है, GST की training लेनी है, उन्हें पूरी ट्रेनिंग को मॉड्यूल में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो आपको सिक्वेंशियल वे में फर्स्ट ट्रेनिंग, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स लेवल तक ही आपको ले जाएंगे। बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब आया डिजाइनिंग ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, पहला आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, सबसे पहले ट्रेनिंग की नीड्स की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत की उसको आइडेंटिफाई करिए, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, एचआर एनालिसिस। सेकंड, सेटिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, बाद में रिजल्ट देखिए जो ट्रेनिंग दिया है उसके बाद टेस्ट लीजिए कि फाइनली कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब आओ ट्रेनिंग प्रोसेस, फर्स्ट है अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स, डिवाइडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट. ठीक है, प्रोसेस में ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, वैलिडेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, फॉलो अप. ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप कोई डाउट हो तो बताइए. ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स में शेयर कर लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा हमसे. No one is having no doubt. So once again, thank you so much for joining. Take care. Goodbye.